हेलो स्टूडेंट्स, आर यू सो हम आज करेंगे एक्सरसाइज 9.1, जिसमें कवर हो रहा है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है, सो आज हम देखेंगे कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होती है। सो जो फ्रैक्शन होती है, जैसे अपॉन में होती है, ठीक है, जैसे 2/4, इसका मतलब कि 4 जो है वो फुल था, टोटल होल था, इसका हमने ये होता है पार्ट, 2 पार्ट ले लिया या फिर शेडेड है। जैसे ये 4 पार्ट्स हैं सर्कल के, ठीक है, तो होल कितने हैं? 4। तो उसके जो 2 पार्ट्स हैं वो शेडेड है, ठीक है। इसलिए मैं बोलूंगी कि फ्रैक्शन ऑफ शेडेड पोर्शन, तो ये आई फ्रैक्शन ऑफ शेडेड पोर्शन। ऊपर वाले पार्ट को हम बोलते हैं न्यूमिरेटर, न्यूमिरेटर क्या है इसमें? 2 है ना ऊपर वाला पार्ट, तो डिनोमिनेटर होता है नीचे वाला, वो होता है नीचे वाला, मतलब 4। ओके, अपर पार्ट को हम बोलेंगे न्यूमिरेटर, डिनोमिनेटर होता है नीचे वाला पार्ट, ठीक है। सो एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। फ्रैक्शन क्या होती है? व्हेन अ होल ऑब्जेक्ट, कोई भी होल ऑब्जेक्ट और ग्रुप इज डिवाइडेड इन इक्वल ग्रुप्स, तो ये जब इक्वली अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड हो जाए, देन द पार्ट इज कॉल्ड, जैसे ये वाला पार्ट क्या बना था? 2/4, देन द पार्ट इज कॉल्ड द फ्रैक्शन। जब हम इसको ऐसे लिख लेते हैं कि ये वाले पार्ट की हमने फ्रैक्शन लिखनी है, तो इसको बोलेंगे 2/4, तो इस पार्ट को हम बोलेंगे 2/4 पार्ट। सो व्हाट आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस? फ्रैक्शंस हैविंग द सेम वैल्यू, किसी भी फ्रैक्शन की अगर सेम वैल्यू हो तो उसको हम बोलेंगे, क्या बोलते हैं हम उसको? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। जैसे ये वाला भी है, इतना हाफ इसका जो हाफ पार्ट है वही शेडेड है ना, तो अगर मैं ऐसे भी कर दूं ये वाला शेडेड, तो भी सेम है, वैल्यू तो सेम ही है, वैल्यू मतलब कि शेडेड पोर्शन तो सेम ही है, तो इसको हम बोलेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इसको मैं क्या लिखूंगी? शेडेड पोर्शन को, अब 2 पार्ट्स हुए ना, तो 2 में से जो 1 पार्ट है वो शेडेड है, तो इसको मैं बोलूंगी 1/2। ओके, सो ये होती है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। एक और एग्जांपल दे देती हूँ, जैसे मान लो मैंने ये कर दिया, इसको शेड कर दिया, तो टोटल पार्ट्स कितने बने? 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 8 बने ये, ठीक है। तो नीचे हमने होल रखना है, डिनोमिनेटर न्यूमिरेटर जो पार्ट भी बना, तो कितने पार्ट बने शेडेड? 1, 2, 3, 4, तो 4। तो ये और ये वाला क्या होता है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, ये सेम ही बता रहा है कि हाफ पार्ट शेडेड है, ठीक है, अंडरस्टैंड? सो नाउ आगे देखते हैं कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालनी कैसे है, हमें कैसे पता लगेगा कि ये इक्विवेलेंट है जब अलग अलग तरह की उन्होंने फ्रैक्शन दी होगी। सो लेट्स सी, सो नाउ हम देखेंगे कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस होती कैसे हैं, या फिर इसको चेक कैसे करना है। मान लो मेरे पास बहुत सारी फ्रैक्शंस हैं, ये थी एक, ये थी एक, मैंने ये वाली निकाली थी ना, सेम ही थी, तो ये देखना इक्विवेलेंट है कि नहीं, पहले 2 को चेक करना है। कैसे करना है? हमने हमेशा ये वाला ध्यान से देख लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, हमने हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लेना है। क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब कि ये होती है क्रॉस मल्टीप्लाई, नीचे को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, यहाँ पर इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे, मतलब 1 को हमने 4 से मल्टीप्लाई करके देखना है, इक्वल आ रहा है इसके 2 को ये वाले से, तो ये आ गया 4, ये भी आ गया 4, सो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है।
अंडरस्टैंड. हमने पीछे भी क्या पढ़ा था कि ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वो होती हैं जो सेम वैल्यू बताए, तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है क्योंकि ये इक्वल भी आ गई. तो चेक कैसे करना है, अब इन दोनों को भी देख लेते हैं. मुझे तो पता है वैसे कि ये इक्विवेलेंट है क्योंकि हमने पीछे से निकाला था, लेकिन अब चेक करना है. 2/4, 4/8, इसको इससे मल्टीप्लाई, 2 को 8 से और ये वाले 4 को यहाँ से, तो 16/16, ठीक है. सो ये इक्वल आ गया, तो ये भी क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है. ओके, सो नाउ आगे करेंगे हम क्वेश्चंस. सो लेट्स सी एक्सरसाइज 9.1. क्वेश्चन नंबर 1 इज राइट द फ्रैक्शन 4 शेडेड पोर्शन पार्ट, ठीक है. सो हमने फ्रैक्शन लिखनी है, सो फर्स्टली डिवाइड लाइन हमने लिखनी है. तो डिवाइड लाइन के नीचे जो होता है वो वाला पार्ट होता है डिनोमिनेटर. वो डिनोमिनेटर को हम टोटल कितने पार्ट्स में डिवाइड हुआ, होल होता है नीचे, हमेशा हमने होल रखना है ऊपर पार्ट, ठीक है. सो जो होल है वो कितने, 1, 2, 3, 4 है ना होल. तो पार्ट्स कितने पार्ट्स शेडेड है, शेडेड पोर्शन 1, 2, 3, क्योंकि उन्होंने शेडेड की बोला है. तो 3/4 क्या हो गया, शेडेड पोर्शन का फ्रैक्शन. यहाँ पर 1, 2, 3, 4, तो यहाँ पर आएगा 4. तो जो शेडेड पोर्शन है वो है 1, तो यहाँ पर ऊपर आएगा 1. तो 1/4 है शेडेड पोर्शन का फ्रैक्शन. अगर उन्होंने बोला है कि विदाउट शेडेड पोर्शन, शेडेड पोर्शन नहीं पूछा, तो हमने क्या करना है, जो शेडेड नहीं है वो ऊपर रखना है. 1, 2, 3 आएगा ना, नीचे वाला तो सेम ही रहेगा. सो 3/4 आएगा ये जो यहाँ पर शेड नहीं किया हुआ. यहाँ पर क्या आएगा, टोटल में देखना है ना कितने हैं वो नीचे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. तो 10 है नीचे, ऊपर उन्होंने 3 पार्ट शेड किए, तो ऊपर हमेशा 3. सो नाउ डी पार्ट शेडेड पोर्शन 1, 2, 3, 4, 5 शेडेड हैं. तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है टोटल होल. सो ये आ गया 5/5/8. नाउ सेकेंड वाला पार्ट हम बोर्ड पर करते हैं, लेट्स सी. सो क्वेश्चन नंबर 2 है, वहाँ पर हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखनी है, ठीक है. सो मैं आपको एक वे बताऊंगी कि आपने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे करनी है, बहुत इजी है. सो लेट्स डू इट. 1/3 है ना, तो मैंने इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, जिस मतलब सेम वैल्यू हो, तो कैसे लिखेंगे. देखो सबसे पहले मैंने 2 से स्टार्ट करना है, 2, 3, 4. तो हमने सबसे पहले ऊपर और नीचे 2, 2 को मल्टीप्लाई करना है, ओके. तो ये आ गया 2, 1 ज़ा 2, 2, 3 ज़ा 6, 2/6 फर्स्ट वैल्यू. सेकंड हमने आगे बढ़ाते जाओ, 2 से आगे 3 से मल्टीप्लाई, तब भी हमारे पास इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आएगी. 3, 1 ज़ा 3, 3, 3 ज़ा 9. सो ये भी इसके इक्विवेलेंट है, मतलब कि इनकी वैल्यू सेम है. तो हमने 2 लिखनी थी, मैंने आपको 3 बता देनी है, आपको जो ठीक लगे वो लिख लो. यहाँ पर 4/4 से 4, 1 ज़ा 4, 4, 3 ज़ा 12. बस आपको इस बात में अलर्ट रहना है कि आपने सेम वैल्यू लेनी है. अगर यहाँ पर 2 लिया तो नीचे भी 2 से ही मल्टीप्लाई करना है. सो आपके पास 3 वैल्यूज़ आ गए इक्विवेलेंट. ऐसे कितने नंबर्स हैं ना, आगे हम बढ़ाते जाएंगे उतने इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बढ़ती जाएंगे, ठीक है. स्टार्टिंग 2 से करनी है हमने. सो कौन कौन से इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आई, 2/6, 3/9, 4/12. ओके, सो ये आपका आंसर. आगे एक और क्वेश्चन कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर डी, 20/25. सबसे पहले मैंने बोला था 2 से, तो कितना आया, 20 2 ज़ा 40, 25 2 ज़ा 50. आगे 20/25 को 3 से, 23 ज़ा 60,
25 3 75। सो ये आ गई आपकी टू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ठीक है, ये आपका आंसर। ओके सो ये मैं ज़्यादा नहीं करवा रही क्योंकि बहुत इजी है, एच तक आप कर लोगे। आगे क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं, और जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो मैं 3, 4, 5, 6 वो पार्ट 2 में बताऊंगी, ठीक है। सो थैंक यू, आप ये सारे क्वेश्चंस कर लो। थैंक यू।